पास ट्रांजिस्टर है CBF 495, इसको किस तरह से चेक करना है, पहले इसकी डेटा शीट देख लेते हैं। इसकी जो पहली पिन है इसकी तीसरी पिन जो है वो बेस है और दूसरी पिन इमीटर है और तीसरी पिन जो है वो कलेक्टर है, सॉरी पहली पिन जो है वो कलेक्टर है। ये एक फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर है, टेम्परेचर इसका 150 तक है, 5 वोल्ट की इसको बेस करंट देनी होती है, 30 mA तक का सिग्नल चाहिए होता है। चलिए किस तरह से चेक करते हैं वो देख लेते हैं। पहली और तीसरी के बीच में रीडिंग आनी चाहिए, तीसरी को पॉजिटिव लेकर रखेंगे और पहली के बीच में रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग आनी चाहिए 882 से कम, ठीक है 844 आ रही है, 822 तक आती है तब भी सही रहता है। और दूसरी पिन पे चेक करेंगे तो ये आएगी 838 के आसपास, तो ये आ रही है 858, ठीक है 860 तक आती है तब भी सही होता है। प्रोब चेंज करने पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, बीप साउंड तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अगर बीप साउंड आता है तो खराब होता है। इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये ओके है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।